हेलो जी सौर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक कीचेन वाला सर्किट, लेकिन ये कोई आम सर्किट नहीं है। इसके मदद से आप आसानी से डोर लॉक खोल सकते हैं, कोई भी लाइट को ग्लो करा सकते हैं, कोई भी दरवाजा को आप आसानी से खोल सकते हैं। मतलब इस पर कोई सर्किट लगा के इसको यूज करना होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस पर एक माइक्रोकंट्रोलर मैंने लगाया है, जिसके अंदर मैंने अपना खुद का पासवर्ड इसमें डाला है, जो पासवर्ड दूसरे किसी को पता नहीं होगा। तो वही पासवर्ड से हम लोग दरवाजा को ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये सर्किट हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चेल्सी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। और जेएलसी पीसीबी से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ एसटीएल फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। जेएलसी पीसीबी से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। 1885 माइक्रोकंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक आर्डिनो नैनो लेना होगा। आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हैं, सिर्फ इसका पिन डायग्राम को कनेक्ट करना होगा ठीक से। डिजिटल पिन 10 नंबर का कॉमन नाम है SS, उसके बाद डिजिटल पिन 11 नंबर का है MOSI, और डिजिटल पिन 12 नंबर का नाम है MISO, और वैसे ही डिजिटल पिन 13 नंबर का नाम है SCK। इस तरह 1885 का कॉमन नाम है, यहाँ पे 8 नंबर जो है वो BCC, 7 नंबर है SCK, 6 नंबर है MISO और 5 नंबर है MOSI। और इस तरफ हम लोग देख सकते हैं ग्राउंड और SS, तो इन पिनों को एक साथ कनेक्शन करना होगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों को आर्डिनो के अंदर एक प्रोग्राम डालना होगा, इसके बाद 8T10 पे कनेक्शन करना होगा। सर्किट को अभी कंप्लीट हो गया है, और ये वाला सर्किट जो है इसको हम लोग अलग से बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इस पर जो हमने 1885 लगाएंगे, तो ये आर्डिनो नैनो से मैंने इस पर अपलोड करेंगे प्रोग्रामिंग। वो किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए हम लोग पहले कंप्यूटर पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आर्डिनो नैनो के अंदर से हम लोग प्रोग्रामिंग को अपलोड कर सकते हैं 18A पे। तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो पे जाएंगे, एग्जांपल पे जाएंगे। जाने के बाद आर्डिनो ISP का जो प्रोग्राम है इसको हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इसका पिन का डायग्राम यहाँ पे लिखा है, और इसको जस्ट अपलोड कर देंगे इसके अंदर। तो इस पे अपलोड होने के बाद हम लोग
इसको कंप्लीट होने के बाद ये जो ATTiny है इसको हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। करने के बाद इसका पिन का डायग्राम हम लोग सेट करेंगे जैसे जैसे हमने बोला है। तो 10 नंबर पे हम लोग पिन को सेट करेंगे, एक नंबर को। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर को हम लोग करेंगे 11 नंबर पे, 6 नंबर को हम लोग करेंगे 12 नंबर पे, और इस तरह जो कि 7 नंबर जो है इसको हम लोग करेंगे 13 नंबर पे। तो इस तरह हम लोग इसका कनेक्शन करके उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे ग्राउंड पे, और पॉजिटिव का कनेक्शन हम लोग पॉजिटिव पे कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो वायर है इसको कनेक्शन करके हम लोगों को एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लेना होगा, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है इसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग रीसेट और ग्राउंड पे सेट कर देंगे ताकि जो प्रोग्राम अभी अपलोड करेंगे वो प्रोग्राम आर्डिनो खुद ATTiny पे पास कर देगा वो प्रोग्राम। तो अभी हम लोग जाएंगे फाइल पे जाएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में जाएंगे। तो प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक हमने इस पे डाल दिया। आपके पास ये लिंक नहीं होगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद जब भी ओके हो जाएगा तो आपको जाना होगा टूल्स पे जाके बोर्ड पे जाना होगा। तो बोर्ड पे जाने के बाद बोर्ड्स मैनेजर पे जाना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा ATTiny। लिखेंगे, लिखने के बाद ये आ जाएगा, पहले आप लोगों को ये नहीं आएगा। तो फाइल पे जाके जो कॉपी हमने किया है उसको पेस्ट करें तभी ये आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉल करके क्लोज कर देंगे। क्लोज होने के बाद तो हम लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये प्रोग्राम हम लोग अपलोड करेंगे। तो इसको अपलोड करने के लिए हम लोगों को पहले बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टूल्स पे जाने के बाद बोर्ड पे जाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे मिल जाएगा ATTiny 25 45 85, इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर से जाएंगे, देखिए यहाँ पे बोर्ड आ गया है ATTiny 25 45 85। तो अभी प्रोसेसर पे जाएंगे, इस पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे ATTiny, हम लोग जो भी माइक्रोकंट्रोलर लगाया है। तो मैंने लगाया है ATTiny 85, तो 85 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से टूल्स पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे क्लॉक देख रहे हैं आप लोगों को, क्लॉक हम लोग सेट करेंगे 1 MHz पे हम लोग इसको अपलोड करेंगे। इस पे क्लिक कर दिया, फिर से टूल्स पे जाएंगे, जाने के बाद पोर्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्रामर पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे आर्डिनो SASP, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो ये प्रोग्राम अपलोड होगा, आर्डिनो खुद नहीं लेगा। तो आर्डिनो इस प्रोग्राम को पास करके ATTiny 85 पे पास कर देगा। तो जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग इस माइक्रोकंट्रोलर को यहाँ पे सेट करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो रिसीवर का सर्किट यहाँ पे फिट कर दिया है, यहाँ पे एक डोर लॉक बना दिया है, और अभी आप लोग देख सकते हैं ये है की चेन, मतलब इस पर भी एक सर्किट है। तो ये सेंडर है, तो जब भी हम लोग इस पुश बटन पे पुश करेंगे तो ये दरवाज़ा ओपन होगा। तो आप दरवाज़ा के अलावा आप बाइक का स्टार्टर भी फिट कर सकते हैं, यानी कि इग्निशन को भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं, और दूसरा कुछ भी आप LED लाइट हो कुछ भी आप इस पे फिट करके आसानी से कर सकते हैं। तो अभी इस पर पावर देते हैं, तो अभी देखिए पावर आ गया है। तो जब भी इस रिमोट के मदद से मैं इस पर दबाऊँगा तो ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह ये काम करता है। तो फिर से मैं दबा रहा हूँ तो ये दरवाज़ा ओपन हो गया है। तो ये जो सिस्टम है इसको मैंने जो कि एक पासवर्ड के मदद से मैंने बनाया है, आप अपना खुद का पासवर्ड इस पर डाल सकते हैं, डालने के बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं इसका जो प्रोग्रामिंग और सर्किट डायग्राम। तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक कीचेन हम लोग बना सकते हैं, वो भी पासवर्ड वाला कीचेन। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय।